तमाशा तमाशा इश्क तमाशा। मेहा, मैं कैसी लग रही हो? बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। अब तुम प्यार की नजर से देखोगी तो तुम्हें मैं अच्छी ही लगूंगी ना। तुम मुझे तनकीद की नजर से देखो कि कोई कमी तो नहीं रह गई। मैं तुम्हें जिस नजर से भी देखूंगी ना तुम मुझे प्यारी ही लगोगी। बस तुम मैं हमको तनकीदी नजरों से मत देखना, ये ना गम से मर जाए बेचारा। अल्लाह ना करे उसे कुछ हो, मैं तो चाहती हूँ कि वो मुझे देखे और देखकर दीवाना हो जाए। फिर समझो तुम्हारी ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई, क्योंकि दीवाना तो वो मिनटों में हो जाएगा। सच में इतनी प्यारी लग रही हूँ मैं? हाँ तुम इतनी प्यारी लग रही हो। अच्छा सुनो, उसकी दी हुई वॉच और बैग जरूर लेके जाना, उसे अच्छा लगेगा। वॉच तो मैं अपनी ही पहन के जाऊंगी, उसे ये ना लगे कि हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा यार सुनो, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा एक आईलाइनर खराब है, जिसकी वजह से मेरी एक आंख छोटी और एक बड़ी लग रही है। क्यों कंफ्यूज हो रही हो तुम? बहुत अच्छी लग रही हो, मतलब कि कॉन्फिडेंट होके जाओ ना। हाँ कॉन्फिडेंट होके जाओ, लेकिन यार मेरे पास वही पुरानी वाली सैंडल है। मेरे उसकी जूती साफ करके रख भी दूंगी। रुशना बोलो। ये रुशना मेरे सैंडल्स पहन के गई है ना? हाँ उसके ड्रेस में मैच हो रहे थे ना इसलिए। आप ही मैच होने का मतलब ये तो नहीं है ना किसी के भी जूते बगैर इजाजत के पहन जाएगी। और गई कहाँ है वो? क्या हो गया है? तुम्हारी बहन है, पहन लिए तो वापस कर देगी तुम्हें। आप ही मुझे दोस्त की सालगिरह में जाना है, लेट हो रही हूँ मैं। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे सैंडल्स पहन जाओ। मैं आपके सैंडल्स क्यों पहनूं? आप उसे बुला रही हैं या मैं अम्मी को फोन करके सब बताऊं? नहीं भाई, चाची जान को कुछ मत कहना, सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। जानती हूँ वो ऐसी है, पर आप उसे अभी फोन करें और बोले घर आए। कर रही हूँ। अभी फोन करें ना, बुलाएं उसे घर। उफ अल्लाह सब्र तो करो, कर रही हूँ। भैया आप यहीं पे रुकिएगा, मैंने वापस भी आना है, ठीक है? मैं चलूं उस रास्ते जो है तेरे दिल का रास्ता, जावजा तुझे देखूं तुझसे कोई वास्ता, तुझसे कोई वास्ता। हेलो। हाँ मेरा, बोलो। कब आओगी तुम? अभी अभी तो आके बैठी हूँ। पलवशा को अपनी सैंडल चाहिए, उसने चीख चीख के मेरे सर में दर्द कर दिया है। ये पलवशा की बच्ची को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। भाई वो कह रही है अगर तुम यहाँ नहीं पहुँची ना तो वो चाची जान को फोन करके बता देगी, मैं क्या करूँ अब? यार मेरा तुम खुद भी डर रही हो और मुझे भी डरा रही हो। अरहम से मुलाकात हुई तुम्हारी? अभी तक अरहम भी नहीं आया, मैं मिली नहीं उससे। जल्दी आओ भाई। बात सुने, पेन मिल सकता है? थैंक यू। अब इस टेबल पे कोई आएगा आप प्लीज उसको ये दे दीजिएगा। ये थैंक यू। क्या कहा उसने? आ रही है। कब आ रही है? मैं लेट हो रही हूँ ना, सालगिरह में जाना है मुझे, शुरू हो गई होगी।
तुम क्यों अपना प्रोग्राम खराब कर रही हो, वो भी एक सैंडल के पीछे। इतनी मुश्किल से उन सैंडल्स के लिए अम्मी से पैसे निकलवाए थे, अब ऐसे ही चली जाऊं। सुषमा भी ना, चलो भैया जल्दी से चलो। ये रुशना की बच्ची आज आ जाए ना, ऐसा मेरे हाथों से पिटेगी ना। ये कमबख्त ने कितना बड़ा झूठ बोला। वो कुलसुम बेचारी नया जोड़ा पहनकर अपने शौहर के साथ शॉपिंग के लिए जा रही थी। मेरी वजह से उसका जाना भी कैंसिल हो गया, और उसकी सास ने मेरी कही पर जो मुझे सुनाई, जो बुरा मनाया, वो अलग। ऐसी शर्मिंदगी उठानी पड़ी इस लड़की की वजह से मुझे कि पूछो ही मत। चाची जान पानी पी लें, वो आती ही होगी अभी। अम्मी मैं बताती हूँ। वो ना बताओगी, तुम्हें थोड़ी कुछ पता है, मुझे बता के गई है ना। तो कुछ मुंह से फूटो भी कि कहाँ गई है। जी चाची जान, वो बराबर वाली खाला के साथ गई है। इतनी छोटी सी बात पर कोई झूठ नहीं बोलता, बात कुछ और है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मुझे भी यही लगता है। नहीं नहीं मैं सच कह रही हूँ, नईमा खाला ने कहा था उसे बाजार जाने के लिए, तो वो चली गई। मेरा मुझे बता दो कहाँ भेजा है तुमने उसे। मैंने नहीं भेजा उसे, मैं क्यों भेजूंगी। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। चाय बाद में बनाना, बताओ मुझे पहले चक्कर क्या है, कहीं तुमने तो कोई गुल नहीं खिलाया। नहीं चाचे जान, मैं क्यों करूंगी ऐसा। जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। वहाज का फोन तो नहीं आया। नहीं, आप मेरी तरफ से बदगुमान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ साफ बता दो मुझे, मुझे भेजने के बाद क्या चक्कर चलाया तुमने। कोई तुमसे मिलने आया या तुम मिलने गई हो किसी से। नहीं चाची जान, घर पे कौन आएगा, मैंने तो सुबह से मशीन लगाई हुई थी, अभी फ्री हुई हूँ। आप पलवशा से पूछ लें। और तुम क्यों बैठी हो यहाँ, जाती क्यों नहीं। अब प्यारी बहन के इंतजार में बैठी हूँ, सैंडल्स पहनकर गई है मेरी, अब वो आएंगी तब मैं जाऊंगी। ये सैंडल पहनकर कोई दावत में घुसने नहीं देगा तुम्हें क्या। चलो जाओ, ठीक है सैंडल। अच्छा चल, शाम तक आ जाऊंगी अम्मी। चशन पानी। Thank you.
चाची जान गुस्से में भरी बैठी है। ट्रैफिक के तूफान में फंस गई थी। और यहाँ यहाँ पे जो तूफान खड़ा हुआ है उसका क्या करोगी? इससे मैं निपट लूंगी अगर तुमने कोई बेवकूफी ना की हो तो। ये पकड़ अपनी सैंडल्स पहन के जानी थी ना तुम्हें। सारा मसला इस सैंडल्स की वजह से हूँ, सिंड्रेला बन के रह गई। सुनो नेहमा वाले को समझा दिया था ना? हाँ हाँ बता दिया था। ठीक है बताओ अम्मी कहाँ है? अंदर ही हैं, जल्दी करो। लब्बा गाज बचा लेना मुझे। मेरा चाय बनाओ मेरे लिए। इस झूठ का मकसद पूछ सकती हूँ मैं? कौन सा झूठ अम्मी, मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला। तुम्हें तो इल्हाम हुआ था कुलसुम के अपेंडिक्स के दर्द का, डॉक्टर ने भी बताया था और हमें भेज भी दिया था। वो तो झूठ नहीं था, मसलियत थी। अच्छा तब तुम खुद ही वजाहत कर दो कैसी मसलहत। अब वो आप कुलसुम खाला से नाराज हो गई थी ना, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला ताकि आप दोनों की सुलह हो जाए। अगर झूठ बोल के दो नाराज लोगों की सुलह करवाई जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता। मैं कब नाराज हुई कुलसुम से? पिछले महीने जब गुफरान भाई के लिए लड़की देखने गए थे और आपने इतना बुरा बोल दिया था, कुलसुम खाला कितने दिन तक उदास रही थी। हाँ तो वो लड़की थी इतनी मोटी, जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने तो साफ साफ बता दिया। कुलसुम खाला तो बदगुमान हो गई होंगी ना, इसलिए मैंने आपको वहाँ भेजा। वो आपको देख के कितना हैरान हुई होंगी। हाँ हैरान तो बहुत हुई थी, लेकिन उसकी सास वो तो मेरा दिमाग चाट गई। अरे एक सवाल तीन तीन दफा पूछती है, दिमाग का दही बना देती कसम से। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई मैंने, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया भाई। अच्छा ओहो, मैं अपनी प्यारी अम्मी के सर में तेल लगा देती हूँ, दर्द चुटकियों में भाग जाएगा, तेल लेकर आती। अरे रहने दो भाई, वो चाय बनाने गई है, चाय पीऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा और वो गुफरान भाई के लिए कोई लड़की देख ली? हाँ कह तो रही थी अगले हफ्ते जाने का, मैंने हामी भर ली। जाहिर जाना पड़ेगा मुझे, कुलसुम को तो कोई समझ है नहीं। और ये खाला माँ कब आएंगी वापस? आ जाएंगी वापस, उनका कहाँ दिल लगता है वहाँ। अरे भी चाय ले भी आओ। बस चाची जान बन गई, मैं देख आती हूँ। पाए बनाने बैठ गई है, जल्दी लेकर आओ, सर में दर्द हो रहा है। पागल हो गई हूँ। हाँ पागल हो गई हूँ मैं, मेरा मैं उसे देख के पागल हो गई हूँ। बताओ ना मुझे कैसे है, मिल ली तुम उससे? मिल लेती अगर तुम मुझे कॉल करके वापस ना बुला लेती। तुम्हें पता है मेरा वो इतना हैंडसम, इतना डैशिक है कि कोई उसे देखे तो देखता ही रह जाए। वाकई? आओ बैठ के बात करते हैं। अब बताओ जितनी खूबसूरत उसकी आवाज है उससे कई ज्यादा खूबसूरत है वो। तुम्हें पता है मुझे तो उसके सामने अपना आप कम लग रहा था, मेरा दिल काबू में नहीं आ रहा था। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कितनी मुश्किल से घर पे पहुंची हूँ मैं। शुक्र है घर तो पहुंची तुम। मेरा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई फिल्म का हीरो मिल गया है मुझे, जिस पर नजर ठहरे मगर हटने से इनकार ही हो जाए। वाह 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 भाई, उस लड़के ने एक झलक में आपको शायरा बना दिया है। अगर तुम उसको देखती ना तो तुम भी हैरान रह जाती। तुमने उसे बताया कि तुमने उसे देख लिया है? नहीं लेकिन मैंने उसे मैसेज कर दिया। अच्छा सुनो ना, पता है तुम्हें उसकी इतनी लंबी गाड़ी थी कि मेरा दिल वहीं पे ढेर हो गया। I'm sorry, मेरी वजह से तुम उससे मिल नहीं पाए, लेकिन मैं क्या करती, पलवशा ने ना बहुत दिमाग खराब कर दिया था मेरा। अरे यार तुम क्यों सॉरी कह रही हो, पर इस पलवशा की बच्ची से तो मैं निपट लूंगी। किससे मिलने गई थी रचनाबाद जी? तुम्हारे होने वाले दूल्हे भैया से मिलने गई थी। सच से बताने वाला? अम्मी को बता दूंगी। अम्मी को बताओगी तो कमरे से बाहर निकाल दूंगी, समझी? रचना क्या हुआ? आप ही वाला सवाल समझाते हैं। आओ बैठो। टेस्ट है ना मेरा, बुक का है इसकी। मैं लाती हूँ एक मिनट सबर, आप पहले वाला सवाल समझा दें। पानी कितना साफ लग रहा है आज,
हाँ जी, करम दाद को मैंने कहा था इसको फिल्टर कर दे आज। खेलेंगे? Let's do it. I'll go easy on you. अच्छा 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 चल। Not bad, not bad. Assalamualaikum. Waalaikum salam. ये देखा, हाँ कैसा शॉट था। Sorry sorry. Very nice. अरे वैसे पॉइंट है। Match. कैसे हैं पप्पू? कैसे हो तुम? तुम खेलो क्यों, मैं तो बहुत थक गई। नहीं खेले आप? नहीं नहीं मैं देखती हूँ, इसको हराओ जरा तुम। चलो भाई। हाँ सुबह के गए थे तुम? हाँ भाई वो एक दोस्त से मिलने गया था। हाँ वो मुझे चौकीदार बता रहे थे कि तुम गाड़ी का पूछ रहे थे, मुझे कह दिया होता भाई मैं सुबह लेके नहीं जाता। इट्स ओके भाई, मैंने मैनेज कर लिया था। भाई ये कौन सा दोस्त है तुम्हारा? है एक दोस्त, समवन स्पेशल। फिर कैसी रही मुलाकात? भाई ये कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसका जिक्र पहले तो नहीं सुना हमने? पप्पो अब आप मेरे सारे दोस्तों को तो नहीं जानती। हाँ तो यही तो गलती हमने पहले की है ना, मेरा आप मैंने तुमसे कहा भी था ख्याल रखना ये किस कंपनी में बैठ रहा है। पप्पो इट्स ओके, अब ये काफी मैच्योर हो चुका है, इसके सारे दोस्तों को मैं पहले से जानता हूँ, सबसे मिल चुका हूँ, सब बिल्कुल ठीक है। पप्पो आप भी ना, अभी तक मुझे बच्चा ही समझती हैं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। पप्पो अब ये बड़ा हो चुका है, अब आप सिर्फ इसकी शादी की फिक्र करें। अच्छा ठीक है। Excuse me. तुम कहाँ जा रहे हो गेम छोड़कर? वो बहुत जरूरी कॉल आई है, जाने दे। थैंक यू भाई। तो ऐसा दोस्त होगा ना जिसकी कॉल इस गेम से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। इसको तुमने बहुत बिगाड़ दिया है, हमेशा अपनी मनमानी करता है, किसी की सुनता ही नहीं। वो ये बेशक किसी की ना सुने, हमें ना इसकी सुनने के लिए। मैं भी किससे कह रही हूँ। सुना था खूबसूरत लोग वादा खिलाफ भी होते हैं, आज देख भी लिया। वादा खिलाफ नहीं होते, बस मजबूर होते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि हुस्न वालों की मजबूरी जंजीर होती है। तो फिर दिल वालों का क्या कसूर, जो मिलने की चाह के बावजूद भी तशना रहे। सब्र करने वालों के लिए इनाम है। मैं शिद्दत से मुंतजर हूँ सब्र के बाद मिलने वाली मुलाकात का। आप तो काफी समझदार हैं, बात की तह तक पहुंच जाते हैं। हमारी तो ख्वाहिश आपके दिल तक पहुंचने की है। अगर मैं कहूं कि आप इसमें कामयाब हो गए तो खुशी से मरना चाहते, घर एतबार होता। अच्छा तो यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बस एक मुलाकात। तो फिर घर आ जाए, मुलाकात भी कर लेते। क्या बाकी? घर पर? लेकिन अभी तो आपने मुझे देखा ही नहीं। मैं ना सिर्फ आपको देख चुकी हूँ बल्कि पसंद भी कर चुकी हूँ। तो मेरे लिए यकीन करना मुश्किल होगा कि आप मुझे देख चुकी हैं। आपको देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आप वही हैं जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। सच कह रही हो मीना? 100% सच। आपका दिल जितना अच्छा है आप दिखने में उससे कई ज्यादा अच्छे हैं। Very charming, very handsome. मीना तुमने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। मैं तो बस आम सा हूँ, कुछ खास नहीं। आप कितने खास हैं आप ये मुझसे पूछें, मुझे आप हर हाल में कबूल। मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या वाकई मेरे साथ? यकीन कर लीजिए जनाब, ऐसा ही है। तो क्या मैं अपने घर वालों को आपके घर ला सकता हूँ? जरूर, मुझे आप सबका इंतजार रहेगा। क्या वाकई में उसे पसंद आ गया? Oh my God, I'm so lucky. क्या पागल हो गई हो तुम, बस करो।
खुशबू कर रही हूँ, खुशबू नहीं पसंद? खुशबू कर रही है मुझे मारने की तैयारी। मेरा सुन, मुझे बॉस कर दिया मेरा, वो अपने घर वालों को मेरे घर मिलवाने के लिए लेकर आ रहा है। सच? हाँ मेरा, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं इतनी लकी हो सकती हूँ यार, मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिलने वाला है। ये तो दिन में ही सपने देखती थी, अभी तो फिर भी रात है। पलवशा मैं सच कह रही हूँ, एक बहुत डैशिंग और अमीर लड़का मेरे घर आ रहा है रिश्ता लेकर। यकीनन अंधा होगा, वो भी अकल का। तो बकवास करने की आदत है इसे तो, बस मुझे तो जल्दी से सोने दो, ख्वाब देखने मुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मेरे पर मत गिर जाना प्लीज। तुम दूसरा ले लो, हर चीज तुम्हें लेनी जरूरी होती, जाकर अंदर से नया ले आओ और जल्दी से लाइटें बंद करो। यार प्लीज दे दो, दबा जाओ, जाओ ना दूसरा ले लो पागल। हाय आपसे एक बात करनी है। बता। भाई उसने हाँ कर दी है, उसने घर भी बुला लिया, मैं बहुत खुश हूँ भाई। तो बहुत खुशखबरी की बात है, तुम तो बिना वजह परेशान हो रहे थे। भाई वो खुपो को मनाना पड़ेगा। मनाएंगे, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, बात कर लूंगा मैं उनसे। कब बात करेंगे? तुम क्या तो तभी जाके बात कर लेते हैं, लेकिन इस टाइम तो वो सो रही होंगी, उनको जगाना सही नहीं लगेगा। आप एक काम करें ना, आप उनसे सुबह बात कर लीजिएगा। ठीक है बात कर लूंगा। इतनी जल्दी क्या? भाई आपको तो पता ही है, जो खूबसूरत टाइप लड़कियां होती हैं उनका कुछ पता नहीं होता, कभी भी इनकार कर दें। हाँ तो इसका मतलब है खातून बेवफा साबित हुई है। नहीं भाई ऐसी नहीं है। फिर कैसी है? आप खुद देख लेना ना। गला काट दूंगी तेरा, चुप कर जा। ये क्या हो रहा है भाई? सफाइयां हो रही है अम्मा। और तुम स्कूल क्यों नहीं गई? अम्मी बाजी ने छुट्टी करवा दी। किस खुशी में? कह रही थी मेहमान आएंगे। कौन से मेहमान? अम्मी नाश्ते में क्या लोगी, क्या लेकर आओ? ये तुम इतनी अच्छी कैसे हो रही हो भाई? पैसे चाहिए होंगे अम्मी, भला रोशना मैडम मतलब के सिवा कोई काम करती है? तुम अपनी चोंच बंद रखो तो बेहतर है, समझी? बस बस आपस में लड़ना मत शुरू कर देना। तुम बताओगी या नहीं? अम्मी मैंने सोचा जाने से पहले आपकी इतनी खिदमत कर दूं कि आपकी कोई हसरत रह ना जाए। तुम जा कहां रही हो? ससुराल। जाहिर है अब आप सारी जिंदगी मुझे अपने घर में तो बिठा के रखेंगी नहीं। कौन सा ससुराल, कब जा रही हो भाई?
बस आप हाँ कर दे तो चली जाऊंगी। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? ये अकेले अकेले क्या चक्कर चला रही हो तुम? ओहो अम्मी, मैं आपकी मर्जी के बगैर एक कदम उठाना भी गुनाह समझती हूँ। हाँ बस बेवकूफ बनाती हूँ आपको, वो भी बड़ी फुर्सत से। आज मुझे पहली दफा पता चला है कि तुम इतनी फरमा बरदार हो। अब तंज तो मत करो, बस एक बार अरहम की फैमिली से मिलो, वो अपनी फैमिली को हमारे घर लेकर आना चाहता है। देखा अम्मी आपने, मैं तो पहले ही आपको कहती थी कि ये कोई गुल खिलाने वाली है, बस आप ही को दिखाई नहीं देता। बकवास बंद करो और सीढ़ी उठाओ, यहाँ से लेकर जाओ बाहर। अल्लाह अम्मी कितना मजा आएगा रश्मावादी की शादी में, मैं तो ढेर सारे कपड़े बनाऊंगी। तुम भी उठो यहाँ से, उठो चलो अंदर और बैठो तुम यहाँ। इधर देखो कौन है अरहम, किस गली में रहता है ये? हाय अल्लाह अम्मी, आपने कैसे सोच लिया कि मैं ये गली मोहल्ले के लड़कों को घास भी डालूंगी? अरहम तो बहुत अमीर है। साबरा ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें कहा था जूस निकालो, चाट बनाने थोड़ी कहा था? तुम लोग कोई बात नहीं समझते। छोड़ो इसको और उठाओ ये, निकालो कीनू, जूस बनाओ इस सबका, मिक्स फ्रूट जूस बनाओ। मूड भी अच्छा नहीं। तुम लोग क्या नाश्ता करोगे? पराठे, फ्राइड एग, ऑमलेट? ऑमलेट। अच्छा साबरा, ऑमलेट भी बनाओ और पराठे भी। पप्पू ये नमकीन को छोड़े, आप मीठे का बंदोबस्त करें। किस खुशी में? साहबजादे को लड़की पसंद आ गई। क्या, कौन सी लड़की पसंद आ गई है? ये तो आप उनकी तरफ जाके मालूम करेंगी और बात पक्की करके आएंगी। बात पक्की करके आऊंगी मैं इतनी जल्दी? लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि लड़की है कौन, करती क्या है? वो सारा काम पता लगाने का मेरा है, आप बस शादी की तैयारियां करें, कहीं लड़की का दम बम ना निकल जाए। लेकिन अरहम की शादी अभी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती पप्पू, लड़की अच्छी है, खूबसूरत भी है, पसंद आएगी आपको। अच्छा तो तुम दोनों भाइयों ने लड़की पसंद भी कर ली और मुझे अब बता रहे हो? बहुत अच्छी। साबरा ऑमलेट कैंसिल। पप्पू पसंद उसी ने की थी, मैं तो सिर्फ इत्तेफाकन देखा ना बस। तुम्हारी शादी से पहले अरहम की शादी कैसे हो सकती है? तो मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहता, वैसे भी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ है। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं अरहम की शादी अभी नहीं कर सकती। क्यों? शादी बच्चों का खेल नहीं है मेरा, लड़की वाले पूछेंगे ना कि अरहम क्या करता है, कोई अपनी बेटी का हाथ ऐसे तो नहीं दे देगा ना। आपका इशारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ है। उस तरफ भी है मेरा इशारा, और दूसरी बातों का भी उनको यकीन करवाना पड़ेगा कि उनकी बेटी क्या जिंदगी भर खुश रहेगी, स्टेबल रहेगी, अरहम उसको खुश रख सकेगा। देखिए पप्पू, जहाँ तक बात फाइनेंशियल सिक्योरिटी की है तो मैं ये सब किसके लिए कमा रहा हूँ, सब उसी का तो है। और जहाँ तक मुतमईन करने की बात है तो आप है ना, आप बात करेंगे उनसे? परवाशा मेरा कहाँ है? किचन में होगी। अच्छा ये बताओ मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, ये वाला? ये वाला, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। जो भी पहनू,
खुदा के लिए मेरे कपड़ों को हाथ ना लगाना। अरे चलो, तुमसे अच्छे कपड़े हैं मेरे पास, बढ़िया है। अच्छा बताओ ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। तो अब है रुशना, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे पहली बार कोई घर में आ रहा है। अरे उसके घर वाले तो पहली बार देखने आ रहे हैं ना मुझे, और फिर मैं भी तो आराम से पहली बार मिलूंगी। पहली बार मिलने आ रहे हैं और शोर ऐसे तुमने मचा रखा है जैसे बारात लेके आ रहे हैं। बारात भी आ जाएगी, तुम जलो नहीं। यार मैं क्यों जलूंगी तुमसे, मैं तो खुश हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा बताओ ना क्या पहनूं मैं। तुम्हें पता है हम लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, पता नहीं लोगों को हम लोग पसंद आएंगे भी या नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं पसंद आएंगे, जरूर पसंद आएंगे, और तुम कुछ भी पहन अच्छी लगोगी। अच्छा सुनो, ये वाला पहन लूं? हाँ यही पहन। क्या कर रही हो? मेहमानों के लिए फ्रूट चाट बना रही हूँ। तुम रहने दो, रुशना बना लेगी। जाओ जाकर तैयारी करो, गुफरान के साथ जाना है तुम्हें। क्यों, मुझे कहाँ जाना है गुफरान भाई के साथ? कुलसुम के यहाँ। आज कुछ लोग रुशना को देखने के लिए आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि उनके सामने तुम आओ और बात कुछ और हो जाए। चाची जान, ऐसी कोई बात नहीं है, रुशना मेरी बहन है। बस मैंने कहा ना, मुझसे ज्यादा बहस मत किया करो, तैयारी करो, गुफरान आने वाला होगा। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कुलसुम क्या जा रही है मेरा? लेकिन अम्मी, मिरहा के बगैर मैं कैसे हैंडल करूंगी मेहमानों को अकेले? तुम्हारी दोनों बहनें हैं ना, वो तुम्हारी मदद करवा देंगी। और हाँ, उनको भी समझा देना कि मेहमानों के सामने आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अम्मी मिरहा के बगैर कैसे? तुम्हें अगर इतना ही प्यार उमड़ रहा है ना मिरहा का, तो अपने शौहर से शादी करवा देना उसकी। बेवकूफ लड़की अपना नसीब किसी की झोली में डालने पर तुली है। हाँ हाँ करवा दूंगी मैं शादी, लेकिन मिरहा मेरे पास ही रहेगी। क्यों मूड खराब करती रहती है तुम उनका? उनका मूड खराब होता है तो होने दो, लेकिन मेरी जिंदगी के इतने अहम मौके पे मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा मैं कहीं नहीं जा रही, चलो तैयार हो जाओ। हाँ तुम जल्दी पहुंचाओ। राबरा जी बेगम साहब, कहाँ तक पहुंचा करूंगा? वो बेकरी से निकल चुके हैं मिठाई के टोकरे। अच्छा वो जब आ जाए ना तो उसको टोकरे गाड़ी में रखते। जी ठीक है। जी जी हाँ मुश्ताक बोलो। क्या ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? कौन? मैं पहुंचता हूं, पहुंचता हूं। अब बच्चों की मर्जी के सामने क्या कर सकते हैं। साबरा एक मिनट रुको। जी बेगम साहिबा। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ अच्छा जी, खुदा हाफिज। साबरा करमदार तो बताया था जी, सारा सामान रखवा दिया? जी सब सामान रखवा। अच्छा एक काम करो, तुम जाके आराम को कहो कि देर हो रही, जल्दी करें। जी ठीक है। प्रभु आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा आपके साथ। ये क्या कह रहे हो मेरा, आप क्यों नहीं जा पाओगे? एक इमरजेंसी आ गई है, मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, लेकिन आप लोग जाएं, मैं जल्दी फ्री हो गया तो आप लोगों को ज्वाइन कर लूंगा। कैसी इमरजेंसी, कुछ तो बताओ मुझे। फैक्ट्री के पोर्शन में आग लग गई है, काफी वर्कर जख्मी हो गए हैं, मुझे वहां पहुंचना है जल्दी। या खुदाया कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ ना? नहीं अल्लाह का शुक्र है, आग पे काबू पा लिया गया था। तो तुम ऐसे करो, शिराजी साहब को फोन कर दो, वो हैंडल कर लेंगे, तुम्हारे साथ चलो। आप तो जानती है ना ऐसे मौके पर मीडिया पहुंच जाता है, मेरा खुद वहां पे होना बहुत जरूरी है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरा आराम बहुत महसूस करेगा इस बात को। जानता हूँ जिस बात की है वो काफी खफा तो होगा, लेकिन मैं बात कर लेता हूँ उसे खुद। मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। आ रहे जी? ठीक है ठीक है, तुम जाओ।
बेटा बुरा मत मनाना, लेकिन क्या सारे शहर में तुम्हें यही घर मिला था? फूफो, आप मीना से मिलेंगे ना, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर तुम कह रहे हो तो जरूर अच्छी होगी। फूफो, आपने डायरेक्ट रिश्ते की बात कर ली, टाइम ना जाया कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही करूंगी। करमदाद, सामान निकालो। आप लोग आइए। तमाशा।